नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिनभर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस के एक दिन में पहली बार 21,000 के करीब नए केस, कुल संख्या 6,25,000 के पार। उधर खाने के तेल की नहीं होगी अब खुली बिक्री। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए कड़े आदेश, कार्रवाई, जेल और जुर्माना भी लगेगा। उधर अगली बड़ी खबर में, बंद हुआ टिकटॉक ऐप, टक्कर में लॉन्च हुआ फेसबुक का लासो ऐप। उधर अगली बड़ी खबर में, चीन को लगा एक और बड़ा झटका, अब बिजली के सामान के इम्पोर्ट पर लगी रोक, सरकार का बड़ा फैसला। उधर पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, ये है राशन कार्ड बनवाने का नियम। उधर सभी यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट, प्राइवेट ट्रेन के किराए का भी रेलवे ने तैयार किया फॉर्मूला। उधर 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा टमाटर का दाम, आलू और हरी सब्जियां भी हुई महंगी। उधर लॉकडाउन के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश। उधर जल्द महंगी होने जा रही रोजमर्रा से जुड़ी ये चीजें, भारत और चीन के बाद चल रहे तनाव का असर। उधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ज्यादा किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुंचाने के लिए सरकार ने आसान किए 6 नियम। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण ने थोड़ी राहत देने के बाद आज बड़ी छलांग लगा दी है। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 379 मरीजों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,25,544 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 18,213 तक पहुंच गई। वह अगली बड़ी खबर, खाने के तेल की नहीं होगी अब खुली बिक्री। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दिए कड़े निर्देश, कार्रवाई, जेल और जुर्माना भी लगेगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने खाने के तेल में मिलावट पर नकेल कसने के मकसद से राज्य सरकारों को सरसों के तेल समेत खाने के दूसरे तेलों की खुली बिक्री पर रोक लगाने का कड़ा निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए राज्य सरकारों से खाने के तेल की खुली बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। अब दुकानों पर आपको खुला तेल नहीं मिलेगा। पासवान ने कहा कि नियमों के उलट खाने के तेल की खुली बिक्री होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें मिलावट का खतरा ज्यादा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इससे पहले मंत्रालय की तरफ से राज्यों को लिखी चिट्ठी में खाने के तेल की खुली बिक्री पर रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से मिलावट पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। वह अगली बड़ी खबर, चीन को लगा एक और बड़ा झटका, अब बिजली के सामान के इम्पोर्ट पर लगी रोक, सरकार का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार सीमा पर ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए एकदम तैयार है। इसी दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए चीन से आने वाले सभी बिजली उपकरणों के आयात को अब बंद कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को राज्यों के बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए आर के सिंह ने साफ कर दिया है, चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट के इम्पोर्ट की इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया था कि चीन से भारत आने वाले पावर उपकरणों की पूरी जांच होगी, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन इन बिजली उपकरणों में मालवेयर व ट्रोजन हॉर्स जैसे वायरस के जरिए साइबर हमला कर सकता है। इनकी मदद से वह भारत के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को फेल करने की साजिश रच सकता है और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वह अगली बड़ी खबर, पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड, ये है नया राशन कार्ड बनवाने का नियम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की बात कही। वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि वह जल्दी से अपना राशन कार्ड बनवा लें। राशन कार्ड वैसे तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूँ, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अभी भी पुराने कार्ड से ही राशन मिल रहा है। केंद्र सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी पुराना राशन कार्ड चलता रहेगा। आप जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य के नजदीकी जनसुविधा केंद्र पर जाकर आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यहां पर ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई होता है, आप चाहें तो इसे खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर, सभी यात्रियों को मिलेगा कन्फर्म टिकट, प्राइवेट ट्रेन के किराए का भी रेलवे ने तैयार किया फॉर्मूला।
खुला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों के किराए को लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव का कहना है कि किराया महंगा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 5% ट्रेनों को ही प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया जाएगा, बाकी 95% ट्रेनों को रेलवे चलाएगा। अप्रैल 2023 तक प्राइवेट ट्रेन देश में चलने लगेंगी। उनके मुताबिक जल्द ही यात्रियों को कंफर्म टिकट की व्यवस्था की जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचा टमाटर का दाम, आलू और हरी सब्जियां भी हुई महंगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में अब टमाटर समेत हरी सब्जियों ने खाने का जायका खराब करना शुरू कर दिया है। जो टमाटर कुछ दिन पहले ही 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे थे, अब उनका भाव 70 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। केवल टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। यहां तक कि आलू के भाव में भी तेजी देखने को मिल रही है। महज कुछ दिन पहले ही टमाटर का भाव 10 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम था, लेकिन अब यह 90 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। क्योंकि लगभग हर तरह की सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में आम लोगों के लिए इतना महंगा टमाटर खरीदना पसीने छुड़ा रहा है। आपको बता दें कि केवल टमाटर ही नहीं बल्कि अब आलू की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है। चंद दिन पहले दिल्ली में आलू का भाव करीब 20 रुपए प्रति किलो था, जो कि अब बढ़कर 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार नियमों के विरुद्ध खाने के सामानों की बिक्री हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश जारी कर दिए। मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि खुले खाने के सामान की बिक्री पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए और सख्त एक्शन उठाए जाएं। राज्य सरकार पैकिंग के बगैर खाद्य सामान यानी खाने पीने के सामान बेच रहे दुकानदारों पर तुरंत ही एक्शन लें। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार तत्काल दूषित तेल, खाना पीना और अन्य सामान की बिक्री पर रोक लगाएं। वह अगली बड़ी खबर, जल्द महंगी होने वाली है रोजमर्रा से जुड़ी ये चीजें, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का असर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत चीनी सामान पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा रहा है, इससे कई सामान महंगे हो सकते हैं। इस लिस्ट में अब कपड़े महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अब चीन से कपड़े और उसे बनाने की मशीनों से जुड़ा सामान भारत नहीं आ पा रहा। आपको बता दें कि चीन से बटन, मेटल और सिलाई मशीनें भारत आती हैं। भारत में सबसे बड़ा कपड़ा बनाने का हब त्रिपुर में है, जहां 90% तक चीन से सामान आता है। चीन से आने वाले फास्टनर, बटन, सिलाई मशीन, निडल, लेपन, पिन और टेक्सटाइल मटेरियल पर भारत निर्भर है। ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आया हुआ कई टन सामान तो पोर्ट पर फंसा हुआ है। जब तक हम वो सारा सामान किसी और इंडस्ट्री से लाने की व्यवस्था कर पाएंगे, तब तक इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो चुका होगा। दरअसल टेक्सटाइल से जुड़ा ये सारा सामान तुर्की, ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड से भी मिल सकता है। हालांकि ये भी बात है कि बहुत सारी जरूरी ऐसी चीजें हैं और ऐसी एसेसरीज और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स हैं जो सिर्फ चीन में ही मिलते हैं। जो निर्यातक विदेशी ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाते हैं, उनका कहना है कि जरूरी एसेसरीज ना होने की वजह से उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में देरी हो रही है। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ज्यादा किसानों के खाते में 6,000 रुपए पहुँचाने के लिए सरकार ने आसान किए 6 नियम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जाने वाली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 18 महीने पूरे हो गए। इस दौरान खेती किसानी के लिए 9,96,00,000 से अधिक किसानों को करीब 73,000 करोड़ रुपए की नगद सहायता मिल चुकी है। रजिस्ट्रेशन जारी है। पिछले 1.5 साल में यह योजना को लेकर कई बदलाव हुए हैं। आपको बता दें कि जिसके बारे में आप जानेंगे तो इसके तहत सालाना 6,000 रुपए लेने में आसानी होगी। लोगों तक इस स्कीम का लाभ पिछले 6 महीने में सबसे तेजी से मिला है। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में इसका 1 साल पूरा हुआ था, तब तक महज 35,000 करोड़ रुपए ही बट पाए थे। यह 2020 के 6 महीने में ही डबल से अधिक हो गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान तो इसमें जैसे पंख ही लग गए। कोरोना संकट काल के दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की किस्त सीधे भेजी गई है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर, ग्राहकों की मदद के लिए सरकार ला रही नए नियम। दरअसल दोस्तों
दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार नए नियम लाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को एक तय अवधि में ऑडिट कराना होगा, साथ ही सेक्टर पर नजर रखने के लिए एक नियामक रेगुलेटर बनेगा। ई कॉमर्स पॉलिसी के मसौदे में इसका प्रावधान किया गया है, सरकार इसे अंतिम रूप दे रही है, इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमी टाइम्स में छपी खबर में बताया गया है कि ई कॉमर्स पॉलिसी के ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि अगर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों से कोई भी ब्यौरा देने को कहती है तो उन्हें 72 घंटे के अंदर इसे उपलब्ध कराना होगा, ऐसा नहीं करने पर उन्हें पेनल्टी देनी होगी। वही मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई समेत कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, बिहार के उत्तर भागों, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश संभव है। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।